हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मयूरी कोठीवाला हूँ और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी कि यूटीआई क्या होता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, वो किस किस प्रकार का होता है, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं और जिनको वो बार बार होता है वो कैसे उससे बच सकते हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए सारी चीज़ें समझने के लिए। तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जैसा कि हमें नाम से समझ में आ रहा है कि पूरा यूरिनरी जो ट्रैक्ट है, जो हमारे पेशाब का रास्ता है, उसमें कहीं पे भी अगर इन्फेक्शन हो जाए तो उसको हम यूटीआई कहते हैं। तो इसको समझने के लिए पहले हम फटाफट से ये देख लेते हैं कि यूरिनरी ट्रैक्ट होता क्या है। जो यूरिनरी ट्रैक्ट होता है उसमें दो किडनी होती है हमारी बॉडी में, जो कि हमारे ब्लड को फिल्टर करती हैं और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, वेस्ट मटेरियल होते हैं, उसको बॉडी के बाहर निकालती हैं। एक ब्लैडर होता है जिसको हम पेशाब की थैली भी कहते हैं, वो पेशाब को स्टोर करके रखता है। किडनी से जो यूरिन को ब्लैडर तक ले जाती हैं वो दो यूरेटर्स होते हैं, और ब्लैडर से बाहर बॉडी के बाहर तक कनेक्ट करने वाली एक यूरिथ्रा होती है, जो कि यूरिन को बॉडी के बाहर निकालने का काम करती है। तो जो यूटीआई होता है वो फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन होता है और मेल्स में कम होता है। फीमेल्स में इसलिए, उसके मेन दो रीजंस हैं, क्योंकि फीमेल्स की यूरेथ्रा जो होती है वो वजाइना और लैटरिन का रास्ता, जो एनस होता है, उसके पास में होती है, तो वहाँ से क्रॉस इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और दूसरा, फीमेल्स में जो यूरेथ्रा है उसकी लेंथ बहुत छोटी होती है, वो छोटी होती है एज़ कम्पेयर टू मेल्स में, तो इसके वजह से जो इन्फेक्शन है वो जल्दी से अपर ट्रैक्ट में यानी कि ब्लैडर में और किडनी में जल्दी से ट्रांसमिट हो जाता है और चांसेस बढ़ जाते हैं इन्फेक्शन के। तो ये यूरिन इन्फेक्शन होता क्यों है? यूरिन इन्फेक्शन आपकी बॉडी में अगर पानी की कमी आ जाती है किसी भी वजह से तो हो सकता है। जैसे कि आप गर्मियों के मौसम में अगर आप पानी का ध्यान नहीं रखते तो ये बहुत कॉमनली देखा जाता है। दूसरा रीज़न ये रह सकता है कि आप पेशाब होल्ड करते हैं, बहुत देर तक आप पेशाब नहीं करते या फिर उसको रोक के रखते हैं, तो जब पेशाब पेशाब की थैली में भरा रहता है बहुत देर तक, तो उसमें बैक्टीरिया का इन्फेक्शन जल्दी हो सकता है, वो जल्दी से इन्फेक्शन पकड़ सकता है। इसके अलावा कुछ कंडीशंस होती हैं जिनमें बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया, प्रेगनेंसी हो गया, या फिर आपको कुछ और फीवर हुआ है, कुछ और इन्फेक्शन हुआ है बॉडी में जिसकी वजह से आपकी इम्यूनिटी कम हो गई है, आपने कोई एंटीबायोटिक्स लिए हैं, तो इन सब कंडीशंस में भी यूरिन इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा यूरिन इन्फेक्शन कॉमन है हनीमून कपल्स में, जब वो बाहर जाते हैं तो वाटर इनटेक का प्रॉपर ध्यान नहीं रखते, और उसकी वजह से बहुत कॉमनली हमारे पास महिलाएं आती हैं जो हनीमून से लौटती हैं और उनको ये यूरिन में इन्फेक्शन हो जाता है। इसको हम हनीमून सिस्टाइटिस भी कहते हैं। तो यूरिन इन्फेक्शन के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? सिम्टम्स में आपको निचले हिस्से में पेट में दर्द हो सकता है, पेशाब करते वक्त जलन हो सकती है, पेशाब बार बार लग सकता है लेकिन जब आप करने जाते हो तो बूंद बूंद करके उतरता है या उतरने में दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा पेशाब का कलर चेंज हो सकता है, वो डार्क येलो, ऑरेंज, या फिर उसमें ब्लड के स्टेन्स भी आपको दिख सकते हैं। जो यूरिन है क्लियर, नॉर्मली यूरिन जो होता है वो वाटर की तरह क्लियर होता है, लेकिन इन्फेक्शन के टाइम पे वो क्लाउडी अपीयरेंस हो जाती है उसकी, उसमें आपको कुछ सेडिमेंट्स दिख सकते हैं। उसकी स्मेल चेंज हो सकती है, फाउल स्मेल आने लग सकती है यूरिन में। तो अब बात करते हैं कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस जो होते हैं वो किन किन प्रकार के होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि यूरिन इन्फेक्शन, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन आपको किस जगह का हुआ है। अगर केवल वो लोकलाइज्ड रहता है, अगर आपकी यूरिथ्रा में, यूरिथ्रा तक ही पहुंचा है इन्फेक्शन, तो उसको हम यूरिथ्राइटिस कहते हैं। उसमें जनरली फाउल स्मेलिंग, डिस्चार्ज, पस जैसा डिस्चार्ज निकलता है पेशेंट को। अगर थोड़ा और ऊपर पहुंच जाए इन्फेक्शन, ब्लैडर में पहुंच जाए, पेशाब की थैली में, तो उसको हम सिस्टाइटिस कहते हैं। सिस्टाइटिस में आपको पेशाब बार बार लगता है और पेशाब करते वक्त दर्द भी होता है। इसके अलावा अगर और ऊपर पहुंच जाता है इन्फेक्शन, किडनीज़ में पहुंच जाता है, तो उसको हम पाइलोनेफ्राइटिस कहते हैं, जिसमें ठंड लग के बुखार आना, उल्टी होना और जी मचलाना, पेट के ऊपर के पैट में दर्द होना, ये सारे उसके सिम्टम्स रहते हैं। तो इसको इन्वेस्टिगेट कैसे करते हैं? अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण है और आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं दिखाने के लिए, तो वो आपको दो टेस्ट लिख के देंगे। एक होता है यूरिन रूटीन और एक होता है यूरिन कल्चर। इन दोनों टेस्ट में आपको एक साफ़ सुथरी स्टेराइल बॉटल दी जाती है, जिसमें आपको अपना यूरिन कलेक्ट करके देना है लैब में। यूरिन में आप ध्यान रखेंगे कि आपको मिड स्ट्रीम यूरिन, मतलब शुरुआती यूरिन आपको छोड़ देना है, उसको कलेक्ट नहीं करना है। उसके बाद जो यूरिन आता है उसको कलेक्ट करना है और
बिना उस बॉटल को कहीं और टच किए, बॉडी के किसी और पार्ट के टच किए, आपको वापस से लैब में डिपॉजिट करना है। यूरिन रूटीन जो टेस्ट होता है वो हैंड टू हैंड स्टडी होती है आपके यूरिन की माइक्रोस्कोप के अंडर में, और उसकी रिपोर्ट आपको 15-20 मिनट्स में मिल जाती है। इसमें यह देखा जाता है कि आपके यूरिन में बैक्टीरिया है कि नहीं, आपके यीस्ट है, कुछ और इन्फेक्शन है, पसल्स हैं कि नहीं, ये सब टेस्ट किया जाता है। और जबकि यूरिन कल्चर होता है वो ये चेक करता है कि आपके यूरिन में जो इन्फेक्शन आया है वो कौन सी एंटीबायोटिक को रिस्पॉन्ड करेगा, कौन सी एंटीबायोटिक से सेंसिटिव रहेगा, तो वो हेल्प करता है आपके ट्रीटमेंट को डिसाइड करने में। तो ये तो दो बेसिक टेस्ट हैं, लेकिन अगर इन्फेक्शन बहुत ही एडवांस्ड है जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है या बार बार हो रहा है, तो उन केसेस में रेयरली कभी कभार सीटी, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, ये सब भी इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत पड़ सकती है। तो यूरिन इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट क्या है? अगर आपको लगता है कि आपको इनमें से कोई भी लक्षण है, यूरिन में इन्फेक्शन हुआ है, तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो आप खुद से शुरू कर सकते हैं डॉक्टर के पास जाने से पहले। उनमें से एक होता है फ्लूइड इनटेक बढ़ाना। आपको अपने फ्लूइड्स का जो इनटेक है वो बढ़ाना है, मतलब कि आपको दिन में कम से कम 3 लीटर के आसपास फ्लूइड इनटेक करना है। ये नॉर्मली भी आपको लेना चाहिए इतना फ्लूइड, लेकिन अगर आपको इन्फेक्शन के साइन सिम्टम्स हैं तो और ज़्यादा आपको ध्यान देके कम से कम 3 लीटर तो आपको लेना ही होता है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप पानी लें, आप इसमें कुछ भी जूस, छाछ, जो भी लिक्विड्स हैं, कोकोनट वाटर, कुछ भी हो गया वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा एक एल्कलाइज़र आता है, बहुत बहुत सारे नामों से आपको मिल जाएगा, सिट्रोसोल, एल्कासोल, यूरोसोल। ये आपकी यूरिन की जो एसिडिटी है उसको कम करता है, तो ये जलन में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। ये आपको 2 चम्मच दिन में 3 बार सुबह, दोपहर, शाम आधे गिलास पानी में डाल के लेना है। इससे आपकी जलन में काफ़ी रिलीफ मिलेगा। फिर जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं वो शॉर्ट कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक या जो भी आपकी कल्चर की रिपोर्ट है उसके हिसाब से एंटीबायोटिक ऐड करते हैं। तो कई बार हमारे पास महिलाएं आती हैं ये कंप्लेन लेके कि उनको इन्फेक्शन होता है, ठीक हो जाता है, लेकिन वो फिर से हो जाता है, बार बार होता है। तो अगर आपको ये इन्फेक्शन, यूरिन में इन्फेक्शन साल में 3 बार से ज़्यादा होता है, तो हम उसको रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। तो अभी मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊँ कि जो अगर आप फॉलो करोगे तो आपको हेल्प मिलेगी रिकरेंट इन्फेक्शन से बचने में। तो सबसे पहला ये है कि आप जब भी आपको पेशाब लगे तो तुरंत आप पेशाब करने जाइए, आप उसको होल्ड नहीं करिए। जब भी हम होल्ड करते हैं पेशाब को तो उस जो पेशाब की थैली है उसमें एक सोर्स बन जाता है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन का, बैक्टीरिया ग्रोथ का, तो इसलिए हमको यूरिनरी इन्फेक्शंस बार बार होते हैं। तो फर्स्ट टिप तो यही है कि आपको जब भी पेशाब लगे आप तुरंत पेशाब करके आइए। दूसरी चीज़ ये है कि आप पानी ज़्यादा पियेंगे, जैसा मैंने आपको बताया, जिसमें ट्रीटमेंट में भी काम आता है और प्रिवेंशन में भी काम आता है। आपको लिक्विड का इंटेक ज़्यादा रखना है। आपको अगर इन्फेक्शन नहीं है एट प्रेजेंट तो भी आपको दोबारा इन्फेक्शन ना हो उससे बचाव के लिए आपको अपने डेली वाटर इंटेक का ध्यान रखना है। तीसरी चीज़, महिलाओं में ये आदत होती है कई बार कि वो अपना जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उसको बार बार साफ़ करती हैं, तो आप उसको अवॉइड करिए। दिन में 1-2 बार सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा बार आपको फ्लश नहीं करना है। और जब भी आप धोते हैं तो सूखे कपड़े से उसको वाइप करना है, और वाइप जब करेंगे तो आपका जो डायरेक्शन होगा वाइप करने का वो हमेशा आगे से पीछे होना चाहिए, पीछे से आगे नहीं, क्योंकि जब पीछे से आगे वाइप करते हैं सूखे कपड़े से या टिश्यू से या फिर टॉयलेट पेपर से, तो जो इन्फेक्शन होता है, जो हमारे लैट्रिन के रास्ते के चारों तरफ जो इन्फेक्शन होता है, वो आगे पेशाब के रास्ते की तरफ आ सकता है और यूरिन में इन्फेक्शन कर सकता है। तो हमेशा जब भी आप वाइप करेंगे तो आगे से पीछे की तरफ करेंगे। फिर महिलाओं में ये इंपॉर्टेंट है कि आप सेंटेड स्प्रेस, परफ्यूम्स, डिओड्रेंट्स या फिर सेंटेड सोप्स, इनका यूज़ ना करें अपने प्राइवेट पार्ट्स पे, क्योंकि ये स्किन इरिटेट कर सकते हैं जिसकी वजह से आगे चल के इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा जब भी आप इंटरकोर्स करते हैं तो कोशिश कीजिए कि उससे पहले आप अपने प्राइवेट पार्ट्स को साफ करें और उसके बाद आप यूरिन करके आए, क्योंकि ये देखा गया है कि अगर आप इंटरकोर्स के बाद यूरिन पास करते हैं, पेशाब कर लेते हैं, तो यूरिन इन्फेक्शन की चांसेस बहुत हद तक कम हो जाती हैं। इसके अलावा आपको कोशिश करना है कि आप सिर्फ कॉटन पैंटीज ही पहने, सिंथेटिक पैंटीज को अवॉइड करें, टाइट क्लोथ्स को अवॉइड करें, क्योंकि ये मॉइस्चर को ट्रैप करते हैं और बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए एक एनवायरमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन क्या होता है, कैसे होता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, आप उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हो और उसका ट्रीटमेंट क्या है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़
अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।